Hello students, welcome to virtual class by Municipal Corporation of Greater Mumbai. Today we are going to learn English. Hello students, welcome to the virtual class. Myself Sagar Mahale, your virtual class teacher. Today I am going to teach you English. As you have seen our last part of this video, the name of the topic was The Fun They Had. In the last part, part 1, we have seen the starting of the chapter in which we are introduced to Margie and Tommy and their grandfather. How Margie hated school, Margie ko school pasand kyun nahi tha, Tommy ko उस ज़माने की चीज़ें जो तकनीकी टेक्नोलॉजी थी वो ज़्यादा पसंद क्यों थी, और वो एक फ्यूचर की स्टोरी है जिसमें आपने पहले ही पैराग्राफ में डेट देखी होगी 17 मई 2157, जो कि आज से तकरीबन 130 साल बाद है वो तारीख। तो उस ज़माने में टेक्नोलॉजी किस तरह से बढ़ गई है और आज के ज़माने में जो हमारे पास चीज़ें हैं जैसे कि हमारे स्कूल, हमारे नोटबुक्स, टेक्स्ट बुक, हम जैसे पेपर देते हैं, वो सारी चीज़ें बदल चुकी हैं। हम होमवर्क हमें टीचर ब्लैक बोर्ड पे देती हैं, हम होमवर्क कॉपी करते हैं अपने नोटबुक में, उसे करके लाते हैं, उसे हम चेक कराते हैं, वो सारी चीज़ें भी बदल चुकी हैं। लाइक एवरीथिंग हैज चेंज आफ्टर सो मेनी ईयर्स एंड दैट इज द फ्यूचर वर्ल्ड, उसके बारे में हमने पढ़ा। तो वो था पार्ट वन में, जहाँ तक हमने पढ़ा कि जो इंस्पेक्टर आता है, काउंटी इंस्पेक्टर, मार्गी की जो प्रॉपर परफॉर्मेंस है, एनुअल परफॉर्मेंस, एकेडमिक परफॉर्मेंस, वो चेक करने के लिए वो इंस्पेक्टर आता है, उसकी माँ को कहता है कि इसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ वो थोड़ी सी कमज़ोर है। और उसके लिए उन्होंने क्या किया था, जो 11 ईयर एज लेवल का जो ज्योग्राफी का सिलेबस था उसे 10 ईयर एज एवरेजली कर दिया। और ये सब होने के बाद में उन्होंने मिसेस जोन्स यानी मार्गी की माँ को ये दिलासा दिया कि आपकी बच्ची के साथ कोई गलत चीज नहीं है, वो सिर्फ थोड़ी सी पीछे चल रही है, एक साल पीछे चल रहा है, मतलब वो बढ़ तो रही है 11 साल के, लेकिन उसका दिमाग अभी भी 10 साल का ही है, तो इट्स नॉट अ बिग इश्यू। सो इसीलिए इसमें किसी चीज की गलती नहीं, लेकिन मार्गी को उससे भी इतनी खुशी नहीं मिली। उसे खुशी कब मिलती, जब उसकी ज्योग्राफी की टीचर को स्कूल से निकाल देते या फिर वो चली जाती किसी और स्टैंडर्ड को पढ़ाने, बिकॉज वो टीचर से ही उसे डर लगता था या फिर वो टीचर से उसको परेशानी थी। तो ये था हमने पार्ट वन में पढ़ा हुआ। अब पार्ट टू के बारे में हम जानेंगे, लेकिन उससे पहले हम पार्ट वन को एक बार रीड करेंगे। तो बच्चों ध्यान से सुनो, मैं एक बार आपको रिवाइज कराता हूँ पार्ट वन। Margie even wrote about it that night in her diary. On the page headed 17 May 2157, she wrote, "Today Tommy found a real book. It was a very old book. Margie's grandfather once said that when he was a little boy, his grandfather told him that there was a time when all stories were printed on paper. They turned the pages, which were yellow and crinkly. And it was awfully funny to read words that stood still instead of moving the way they were supposed to, on a screen, you know. And then when they turned back to the page before, it had the same words on it that it had when they read it the first time." So in this first page, Margie अपनी diary, जैसे diary लिखने की हर किसी को आदत होती है, बहुत से लोगों को आदत होती है, रात में सोने के वक्त दिन में जो जो भी हुआ याद के तौर पर वो डायरी में लिखा करते हैं। तो वैसे ही मार्गी को भी डायरी लिखने की आदत थी और उसने 17 मई 2157 की तारीख को अपनी डायरी में ये लिखा कि आज टॉमी को एक असली की किताब मिली। तो बच्चों आज के जमाने में 2020 में असली की किताब मिलना किसी के लिए कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन ये बात 130 साल बाद की है, ये बात हम भविष्य की कर रहे हैं, फ्यूचर की कर रहे हैं। और उस जमाने में लेखक का ये कहना है कि वहां पर किताबें नहीं होंगी, जो कुछ भी होगा सब लैपटॉप या टीवी स्क्रीन पे ही होगा, एक ही मेमोरी कार्ड में दुनिया भर की सारी किताबें होंगी और
वो हम कभी भी कौन से भी किताब पढ़ सकते हैं। एक मेमोरी कार्ड का वजन कितना होता है और पूरे लाइब्रेरी में जितने सारे बुक्स हैं उनका वजन कितना होता होगा। तो इस तरह से ये कहा जाता है कि मार्गी को एक रियल बुक मिली, टॉमी को एक रियल बुक मिली और मार्गी ने वो अपनी डायरी में लिखा। और फिर इस तरह से मार्गी के ग्रैंडफादर जो उनको कहा करते थे कि बुक्स कैसी हुआ करती थी, पेजेस कैसे हम टर्न करते थे, मतलब ग्रैंडफादर अब शायद नहीं है इस दुनिया में मार्गी के, और उन्हें वो ग्रैंडफादर की बात याद आई। जी, सेड टॉमी, व्हाट अ वेस्ट। व्हेन यू आर थ्रू विद द बुक यू जस्ट थ्रो इट अवे। आई गेस our television screen must have had a million books on it and it's good for plenty more. I wouldn't throw it anyway. Same with mine, said Margie. She was 11 and hadn't seen as many telebooks as Tommy had. He was 13. He said, where did you find it? In my house, he pointed without looking because he was busy reading. In the attic, what's it about? School. Margie was scornful. School? What's there to write about school? I hate school. Margie always hated school, but now she hated it more than ever. The mechanical teacher had been given her test after test in geography, and she had been doing worse and worse until her mother had shaken her head sorrowfully and sent for the county inspector. He was a round little man with a red face and a whole box of tools with dials and wires. He smiled at Margie and gave her an apple, then took the teacher apart. Margie had hoped he wouldn't know how to put it together again, but he knew how all right, and after an hour or so, there it was again, large and black and ugly, with a big screen on which all the lessons were shown. And the questions were asked. That wasn't so bad. The part Margie hated most was the slot where she had to put homework and test papers. She always had to write them out in a punch code. They made her learn when she was 6 years old, and the mechanical teacher calculated the marks in no time. The inspector had smiled after he was finished and patted Margie's head. He said to her mother, "It's not the little girl's fault, Miss Jones. I think the geography sector was geared a little too quick. Those things happen sometimes. I have slowed it up to an average 10-year level." Actually, the overall pattern of her progress is quite satisfactory, and he patted Margie's head again. Margie was disappointed. She had been hoping they would take the teacher away altogether. They had once taken Tommy's teachers away for nearly a month because the history sector had blanked out completely. So she said to Tommy, "Why would anyone write about school?" Tommy looked at her with very superior eyes. "Because it's not our kind of school, stupid. This is the old kind of school that they had hundreds and hundreds of years ago." So students, यहाँ तक हमने part 1 में, part 1 के वीडियो में समझा और जाना। अब देखते हैं part 2। Part 2 में आगे की कहानी आपको समझ में आएगी, और ये पूरी जो स्टोरी है जिसका शीर्षक है द फन दे हैड, इसका मतलब आपको समझ में आएगा। ये द फन दे हैड मतलब उन्होंने कितने मजे किए थे। अब उन्होंने कौन है और उन्होंने क्या मजे किए थे, ये है हमारी स्टोरी का मेन मकसद जानना। तो आइए पार्ट टू में हम जानते हैं कि किसने क्या मजे किए थे और कब, पास्ट में कब किए थे। He added loftily, pronouncing the word carefully, centuries ago. Margie was hurt. Well, I don't know what kind of school they had all that time ago. She read the book over his shoulder for a while, then said,
Anyway, they had a teacher. Sure, they had a teacher, but it wasn't a regular teacher. It was a man. A man? How could a man be a teacher? Well, they just told the boys and girls things and gave them homework and asked them questions. A man isn't smart enough. Sure he is. My father knows as much as my teacher. Now, Margie और Tommy के बीच का ये जो संवाद है, ये जो conversation है, इसके बारे में हम जानेंगे। तो Margie थोड़ी दुखी थी, she was hurt. उसने ये कहा कि I don't know what kind of school they had all that time ago. वो grandpa के बारे में बात कर रही थी। पता नहीं, मेरे grandpa जब छोटे थे, उस जमाने में school कैसे हुए होंगे? अब grandpa का जमाना मतलब हमारे grandpa का जमाना नहीं। हमारे grandpa का जमाना मतलब और भी बहुत पुराना। Margie के grandpa का जमाना मतलब जो अभी हम जिसमें हैं, 2020 में हम इस साल ये किताब पढ़ रहे हैं, मतलब वो अभी की बात कर रहे हैं, वो grandpa अभी के हैं। तो Margie ये सोच रही है कि पता नहीं grandpa के समय में कैसे स्कूल होते होंगे। She read the book over his shoulder for a while, then said, "Anyway, they had a teacher." तो जैसे ही टॉमी वो किताब पढ़ रहा था जो मिली थी उसे रियल किताब दादाजी की, और Margie ने इसे ऊपर से उसके कंधे के ऊपर से जरा सी नजर डाली उस किताब पर और वो भी पढ़ने लगी, और उसने उसे दिखाई दिया कि उनके पास एक टीचर था। मतलब सोचो बच्चों, आगे जाके टीचर्स कौन होने वाले हैं? जैसे मैं सर हूँ, कोई मैडम होती है, वैसे टीचर्स नहीं होंगे। टीचर्स होंगे कंप्यूटर, स्क्रीन, टीवी, मोबाइल, यही सब टीचर होंगे, ऐसे लेखक की कल्पना है। एनीवे, दे हैड अ टीचर। श्योर दे हैड अ टीचर। तो टॉमी ने कहा, हाँ जरूर उनके पास टीचर था, लेकिन वो कोई अपने जैसा टीचर नहीं था, वो एक इंसान था। तो Margie ने चौंकते हुए पूछा, अ मैन? हाउ कुड अ मैन बी अ टीचर? A man? How could be a man teacher? Well, he just told the boys and girls things and gave them homework and asked them questions. तो Tommy ने कहा कि हाँ वो था, एक man teacher था, लेकिन वो क्या करता था, सारे लड़कों को सारे लड़कियों को कुछ बोलता था, कुछ पढ़ाता था, फिर उन्हें homework देता था, उन्हें सवाल पूछता था और उनकी exam लेता था, जैसे कि अभी हमारे school में होता है। हमें टीचर पहले पढ़ाती है, फिर क्वेश्चन आंसर्स लिखाती है, फिर होमवर्क देती है, उसके बाद में हमें सवाल जवाब पूछते हैं, फिर हम वही सवाल जवाब को रिटर्न एग्जाम में लिख कर आते हैं। ये सब होता था उस स्कूल में। तब उसने कहा कि अ मैन इजंट स्मार्ट इनफ। तो Margie ने कहा कि एक इंसान इतना होशियार नहीं हो सकता, लेकिन टॉमी ने कहा, श्योर ही इज, My father knows as much as my teacher. मेरे पिताजी उतनी ही बातें जानते हैं जितने कि मेरी टीचर। He knows almost as much, I betcha. Margie wasn't prepared to dispute that, she said. टॉमी ने कहा कि मेरे पिताजी बहुत कुछ जानते हैं, I betcha. Betcha एक मतलब क्या होता है, एक इंग्लिश वर्ड है जिसका मतलब होता है मैं शर्त लगाता हूँ इस बात पर कि मेरे पिताजी बहुत कुछ जानते हैं। तो Margie wasn't prepared to dispute that. वो ठीक है, वो मान रही थी। उतने में उसने कहा, I wouldn't want a strange man in my house to teach. तो Margie ने कहा कि चलो ठीक है, रहते होंगे मैन टीचर लोग। मतलब Margie को ये बात पे भरोसा नहीं हो रहा था कि इंसान कंप्यूटर से ज्यादा भी जानते हैं, और इंसान पहले पढ़ाते थे बच्चों को, अभी तो हमारे स्कूल में सारे कंप्यूटर पढ़ाते हैं, हमको रोबोट्स पढ़ाते हैं, क्योंकि उसमें सारा इंफॉर्मेशन फीड किया हुआ होता है। लेकिन उतने में Margie ने कहा, चलो ठीक है, मान लेते हैं कि इंसान पढ़ाते थे, लेकिन अगर इस जमाने में इंसान पढ़ाते तो मुझे तो अच्छा नहीं लगता कि भाई कोई जानना पहचान अजनबी इंसान मेरे घर पे आता और मुझे पढ़ाता। और टॉमी की हंसी इतनी देर में फूटने लगी। टॉमी स्क्रीम्ड विद लाफ्टर, यू डोंट नो मच Margie, द टीचर्स डिडंट लिव इन द हाउस, दे हैड अ स्पेशल बिल्डिंग एंड ऑल द किड्स वेंट देयर। तब टॉमी ने कहा हंसते हुए, Margie तुम बिल्कुल बेवकूफ हो, तुम्हें कुछ भी नहीं पता।
घर पे टीचर नहीं आते थे, एक जगह थी, एक बिल्डिंग थी जहां पर टीचर्स भी जाते थे और सारे बच्चे भी वहीं जाते थे। तो वो बिल्डिंग कौन सी है बच्चों, जरा पहचानो। हाँ, हमारी स्कूल। जैसे कि हर पूरे देश में, पूरे जग में सारे बच्चे स्कूल की बिल्डिंग में जाते हैं, स्कूल जाते घर से। लेकिन इस जमाने में मार्ग को क्यों नहीं पता था, क्योंकि यहाँ पर हर बच्चे के पास घर पे बड़ी बड़े टीवी स्क्रीन है। जैसे हमारा वर्चुअल क्लास होता है बच्चों, बड़े स्क्रीन पर हम आपको पढ़ाते हैं, वैसे ही बड़ी बड़ी स्क्रीन हर बच्चों के घर में है, तो बच्चों को कहीं और जाने की जरूरत नहीं। जैसे आप अभी कोरोना के पीरियड में घर से पढ़ाई कर रहे हो, सारे बच्चे मोबाइल पे, यूट्यूब पे या कंप्यूटर पे, लैपटॉप पे हमारे लेक्चर्स देख रहे हो और खुद पढ़ रहे हो। उसी तरह से ये जो अभी हमने टेक्नोलॉजी यूज की है, जो कोरोना के वजह से यूज की है, हमें उसकी अभी तक जरूरत नहीं थी। ऑनलाइन टीचिंग एक अलग बात है और वर्चुअल टीचिंग एक अलग बात है। वर्चुअल टीचिंग में हम आपको वीडियोस बताते हैं, इमेजेस बताते हैं, वो सब ऑनलाइन टीचिंग पे भी होता है। लेकिन हमने स्कूल जाना नहीं छोड़ा था और इसीलिए मार्गी ये कहती है, क्योंकि उसे पता ही नहीं था कि स्कूल जाना पड़ता था पहले बच्चों को, उसे अभी पता चला जब टॉमी ने उसे हंस हंस के चिढ़ा कर बताया। And all the kids learned the same things. Sure, if they were the same age. तो टॉमी ये कह रहा था कि सारे बच्चे एक कक्षा में रहते थे, जैसे पहली, दूसरी, तीसरी, और वो सारे बच्चे एक साथ एक ही चीज पढ़ते थे। जैसे कि देखो अभी हमारे स्कूल में हम 9th स्टैंडर्ड में हैं, तो ज्योग्राफी का लेक्चर है, तो ज्योग्राफी की टीचर आपके क्लास में आती है, ज्योग्राफी का चैप्टर आप सबको एक साथ पढ़ाती है। फिर उस समय सारे बच्चे एक साथ ही वो समझते भी हैं, लिख कर लेते हैं क्वेश्चन आंसर्स, और फिर एक साथ ही एग्जाम भी देते हैं, और वो सारे एक ही उम्र के होते हैं, कुछ एक या दो साल ऊपर नीचे होंगे किसी किसी के, लेकिन मोस्टली एक ही एज के सारे बच्चे होते हैं। बट माई मदर सेज अ टीचर हैज टू बी एडजस्टेड टू फिट द माइंड ऑफ ईच बॉय एंड गर्ल इट टीचेस एंड दैट ईच किड हैज टू बी टॉट डिफरेंटली। अब उस जमाने में क्या हुआ करता था, क्या होने वाला है एक्चुअली फ्यूचर में बात करेंगे, कि सारे बच्चों की बुद्धि के हिसाब से उसका पोर्शन या उसका सिलेबस दिया जाता था। जैसे कि हमने थोड़ी देर पहले बात की कि मार्गी को ज्योग्राफी के पेपर में दिक्कत आ रही थी, तो जो काउंटी इंस्पेक्टर थे उन्होंने उसका सिलेबस 11 साल की उम्र से 10 साल की उम्र के लेवल पे सेट कर दिया। तो मार्गी ये कह रही थी कि उस समय अगर सारे बच्चे स्कूल जाते थे तो फिर वो कैसे पढ़ पाते थे जिनकी मेरी जैसी हालत थी। जैसे किसी किसी को उस समय पे नहीं समझ आता, तो जैसे काउंटी इंस्पेक्टर ने मेरे साथ एक साल का लेवल कम कर दिया, तो क्या तब भी वहां पे भी उस समय भी लेवल कम किया जा सकता था। तो ऐसे उसको उसकी माँ की बात याद आई और उसने कहा कि मेरी मम्मी कहती है, बट मदर सेज कि टीचर को एडजस्ट करना चाहिए बच्चे और लड़का या लड़की के माइंड के हिसाब से। तो ऐसे कैसे पॉसिबल हो सकता है स्कूल में, जब सारे बच्चे एक इंसान के पास पढ़ने जा रहे हैं, वो तो सारे बच्चों को एक साथ ही पढ़ाएगा, हर एक बच्चे को अलग अलग नहीं पढ़ा सकता। अब आपके क्लास में समझो 40 बच्चे हैं, तो क्या एक ही चैप्टर टीचर 40 बच्चों को 40 बार पढ़ाती है? नहीं, ये पॉसिबल ही नहीं है। और इसीलिए मार्गी के मन में ये सवाल आया कि ऐसे कैसे पॉसिबल हो सकता है। आगे देखते क्या हुआ। जस्ट द सेम दे डिडंट डू इट दैट वे देन। इफ यू डोंट लाइक इट यू डोंट हैव टू रीड द बुक। आई डिडंट से आई डिडंट लाइक इट, मार्गी सेड क्विकली। शी वांटेड टू रीड अबाउट दोज फनी स्कूल्स। दे वरंट इवन हाफ फिनिश्ड व्हेन मार्गीज मदर कॉल्ड, मार्गी स्कूल। और वो जब ये बात किस टॉमी को समझाने लगी, तो टॉमी ने कहा कि वो जैसी भी स्कूल थी, वो कुछ भी करे, तुम्हें उससे क्या, अगर तुम्हें ये किताब पसंद नहीं आ रही है तो मत पढ़ो। लेकिन उतने में मार्गी ने क्विकली जवाब दिया कि मैंने कब कहा कि मुझे पसंद नहीं, मुझे तो पढ़ना है। वो फनी स्कूल्स के बारे में, उनकी उन्होंने जो मजा की, उन्होंने जो फन किया उसके बारे में, और ये मुझे जानना है कि उस जमाने में स्कूल कैसे हुआ करते थे। तो ये भविष्य की बच्ची मार्गी ये कह रही है कि मुझे जानना है कि हमारे इस जनरेशन के स्कूल्स कैसे थे,
उतने में ही मार्गी की माँ का दूसरे रूम से आवाज आया कि मार्गी तैयार हो जाओ, स्कूल स्कूल जाना है। अब मार्गी स्कूल जाना मतलब क्या, जो एजुकेशन के लिए रूम होता था एक, जैसे कि बच्चों देखो हर घर में एक किचन होता है, एक बेडरूम होता है, एक लिविंग रूम होता है, वैसे आने वाले जमाने में एक एजुकेशन रूम भी होने वाला है, जहां पर हम वर्चुअल क्लास में बैठते, देखो ऊपर एक प्रोजेक्टर होता है, फिर बीच में एक बड़ा सा टीवी होता है और सारी चीजें एजुकेशन से रिलेटेड, कंप्यूटर वगैरह सब कुछ होता है, कैमरा वगैरह, वैसे ही एजुकेशन रूम हर घर में होने वाला है और वही उन बच्चों का स्कूल रहेगा। मतलब बेडरूम से निकल के दूसरे एजुकेशन रूम में चले जाओ। और मार्गी लुक्ड अप और मार्गी ने कहा कि अभी नहीं मम्मी। तो मिसेस जोन्स यानी मार्गी की मम्मी ने कहा कि नहीं नहीं अभी के अभी आपको स्कूल जाना है, एंड इट्स प्रोबेबली टाइम फॉर टॉमी टू। तो उसने मैं उतने कहा, मम्मी ने कहा कि हाँ टॉमी तुम्हारा भी वक्त हो गया है स्कूल का। मार्गी सेड टू टॉमी, कैन आई रीड द बुक सम मोर विथ यू आफ्टर स्कूल। अब मम्मी ने कह दिया है कि टॉमी और मार्गी दोनों को स्कूल यानी एजुकेशन रूम में जाके बैठना है, तो अब क्या करना पड़ेगा, किताब रख देनी पड़ेगी जो वो पढ़ रहे थे। और मार्गी ने रिक्वेस्ट की टॉमी को कि क्या थोड़ी देर बाद हम स्कूल खत्म होने के बाद पढ़ सकते हैं। तो टॉमी ने कहा ठीक है मे बी चलेगा। ही सेड नॉन चैलेंटली, ही वॉक्ड अवे विस्लिंग द डस्टी ओल्ड बुक टक्ड बीनीथ हिज आर्म। और वो धूल से लिपटी हुई जो बुक थी जो वो पढ़ रहे थे अपने दादाजी की, अपने आम के बीच में रखकर वो आगे स्कूल की तरफ चलने लगा। तो कैसी नई नई बातें आपको समझ आ रही है बच्चों, देखो कि आने वाले भविष्य में कुछ ऐसे स्कूल्स होंगे जो घर में ही होंगे, बच्चे घर से ही पढ़ेंगे, और वो एक पुरानी किताब जिसमें हमारे स्कूल्स के बारे में लिखा हुआ था वो देखकर वो दोनों बच्चे भी चौंक रहे हैं, सरप्राइज हो रहे हैं, उन्हें वो अपने स्कूल्स फनी लग रहे हैं, कैसे घर से क्यों निकलना है स्कूल जाने के लिए। मतलब आज हम स्कूल जाना जरूरी समझते हैं क्योंकि हम शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, हमें पढ़ना है, लेकिन वो बच्चे ये सोचते हैं कि शिक्षा प्राप्त करने के लिए स्कूल जाने की क्या जरूरत है, वो तो हम घर पे भी कर सकते हैं। लेकिन आज के हमारे जमाने में हर बच्चे के घर पे वो सारी सुविधाएं नहीं प्राप्त हो सकती, इसीलिए हमको स्कूल जाना पड़ता है। शायद हमारा देश आज से 100-150 साल बाद इतनी तरक्की कर ले कि हर घर में एक बड़ा सा टीवी, एक बड़ा सा प्रोजेक्टर और एक बड़ा सा कंप्यूटर हो, ताकि हर बच्चों को अपने घर पर बैठ के ही पढ़ाई करने का मौका मिले, ना स्कूल जाने आने का वक्त बच जाएगा और फिर टिफिन लेके जाओ वगैरह वगैरह, और जब मर्जी चाहे तब तुम स्कूल अटेंड कर सकते हो। सुबह देर से उठ गए तो देर से चालू, जल्दी उठ गए तो जल्दी से चालू। मतलब अपने समय के हिसाब से, अपनी चीजों के, अपने प्रायोरिटी के हिसाब से हम अपनी स्कूल अटेंड कर सकते हैं। इस तरह से वो फ्यूचर के जो बच्चे हैं मार्गी और टॉमी, वो हमारी स्कूल्स को, हम अभी उनके उनसे पिछले जनरेशन में हैं, तो वो हमारे जनरेशन को फनी समझते हैं, मतलब स्कूल्स हमारे फनी समझते हैं, ये लेखक की कल्पना है। अब आगे देखते हैं क्या होगा। मार्गी वेंट इन टू द स्कूल रूम, इट वॉज राइट नेक्स्ट टू हर बेडरूम, एंड द मैकेनिकल टीचर वॉज ऑन एंड वेटिंग फॉर हर। इट वॉज ऑलवेज ऑन एट द सेम टाइम एवरी डे एक्सेप्ट सैटरडे एंड संडे, बिकॉज हर मदर सेड लिटिल गर्ल्स लर्न बेटर इफ दे लर्न एट रेगुलर आवर्स। मार्गी अपने बेडरूम से निकल के, हुआ जैसे कि मैंने आपको कहा कि घर में ही सारी सब बच्चों के स्कूल होती थी, एक स्कूल रूम होता था, जैसे बेडरूम है, किचन है, लिविंग रूम है, बाथरूम है, वैसे ही स्कूल रूम होता था। तो बेडरूम के बाजू में ही उसका स्कूल रूम था और वो स्कूल रूम में चली गई, और मैकेनिकल जो टीचर थी जिसे वो एक्सपेक्ट कर रही थी कि स्कूल वाले इस टीचर को निकाल दें, मेरा तो बहुत दिमाग खा रही है टीचर, वही टीचर मंडे से लेके फ्राइडे तक उसी समय पर स्क्रीन पर ऑनलाइन नजर आती थी। और वो टीचर बहुत 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 क्या होता था, अब वो टीचर देखो बच्चों कोई लेडी टीचर नहीं थी या कोई इंसान नहीं था, वो मैकेनिकल था, मतलब एक रोबोट था, वो स्क्रीन पर नजर आता था और वो मार्गी का वेट कर रहा था। क्योंकि देखो बच्चों, अगर मैं आपको यहां से ऑनलाइन पढ़ा रहा हूं तो मैं एक वीडियो बना के आप सारे बच्चों को एक साथ दे रहा हूं,
लेकिन क्या मैं दिन भर में, समझो मेरे पास अगर 100 बच्चे हैं, तो क्या मैं एक ही बच्चे को एक बार पढ़ाऊं, फिर दूसरे को दूसरी बार, तीसरे को तीसरी बार? ऐसे पॉसिबल नहीं होगा। फिर मुझे तो दिन भर कंप्यूटर पे ही बैठना पड़ेगा, क्योंकि रोल नंबर 1 का हुआ आधा घंटा, चलो रोल नंबर 2 का आधा घंटा वही चैप्टर, रोल नंबर 3 का आधा घंटा वही चैप्टर, मैं तो पढ़ा पढ़ा के पागल हो जाऊंगा। और रोबोट होता है, मैकेनिकल जो चीज होती है, वो थकेगा नहीं, क्योंकि टीवी इलेक्ट्रॉनिक है, कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक है, मोबाइल इलेक्ट्रॉनिक है, तुम उसे घंटे चालू रखो, उस पर वीडियो देखो, कुछ भी करो, मोबाइल थोड़ी बोलने वाला है कि भाई मैं थक गया, मोबाइल तो सिर्फ इतना बोलेगा कि मेरा बैटरी कम हो गया, मुझे चार्ज करो, चार्ज करो फिर चालू। लेकिन हम इंसानों का थोड़ी ऐसे होता है कि चार्ज करो और चालू, हम तो एक ही बार पढ़ा सकते हैं और एक साथ 50-60 बच्चों को पढ़ा सकते हैं, राइट? तो वो मैकेनिकल टीचर थी जो हर मंडे से लेकर फ्राइडे तक, और हर बच्चे के लिए अलग अलग टीचर होती थी, एक बच्चे के लिए एक मैकेनिकल टीचर, वो मैकेनिकल टीचर ज्योग्राफी सब्जेक्ट पढ़ाती थी, और उसी समय पर सैटरडे संडे को छोड़ के वो वहां पर नजर आती थी। और उसकी मम्मी जो थी मार्गी की, हमेशा ये कहती थी कि छोटी लड़कियां जो होती हैं वो तभी बेहतर सीख पाती हैं जब वो बेहतर समय का उपयोग करें, सही समय पर ज्ञान प्राप्त करके ही वो बेहतर सीख पाएंगी। अगर वो लेट करेंगी आने के लिए या वो मिस करेंगी लेक्चर, तो वो ठीक से पढ़ नहीं पाएंगी। और मम्मी की ये बात को याद करते हुए वो स्कूल रूम में चली गई और मैकेनिकल टीचर के सामने बैठ गई। The screen was lit up and it said, "Today's arithmetic lesson is on the addition of proper fractions. Please insert yesterday's homework in the proper slot." अब ये जो मैकेनिकल टीचर थी, ये अरिथमेटिक यानी अभी मैथ्स पढ़ा रहे हैं, तो मैथ्स में एडिशन पढ़ा रहा है फ्रैक्शन का, तो वो कहती है कि आज का टॉपिक है अरिथमेटिक लेसन है एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शंस, लेकिन उससे पहले कल जो होमवर्क दिया था उस होमवर्क को अपने स्लॉट में इंसर्ट करो। अब जैसे सिम कार्ड का स्लॉट होता है मोबाइल में, मेमोरी कार्ड का स्लॉट होता है मोबाइल में, वैसे ही उस जमाने में होमवर्क के लिए एक स्पेशल कंप्यूटर में स्लॉट होगा स्कूल रूम में, वो आप कंप्यूटर पे ही होमवर्क टाइप करके सेव करके वो स्लॉट में कार्ड इंसर्ट कर देना। मैकेनिकल टीचर जो रोबोट है वो तुरंत आपका कार्ड रीड कर लेगी, आपने क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है वो देखेगी और तुरंत चेक करके आपको होमवर्क वापस भेज देंगी और मार्क्स बता देगी। मार्गी डिड सो विद अ साई। शी वॉज थिंकिंग अबाउट द ओल्ड स्कूल्स दे हैड व्हेन हर ग्रैंडफादर्स ग्रैंडफादर वाज अ लिटिल बॉय। तो मार्गी ये सोच रही थी कि थोड़ी सी मायूस हो गई थी कि मुझे होमवर्क देखो ये सब वही चल रहा है, स्क्रीन पे मैकेनिकल टीचर आ गई, स्लॉट में होमवर्क डालो। मैं तो वो सोच रही हूँ कि मेरे जो दादाजी के दादाजी जब वो छोटे थे तब उनके जमाने में स्कूल कैसे होते थे, तब वो कैसे सब कुछ हैंडल करते थे। ये सोचते सोचते वो उस सोच में बह गई। आगे देखिए क्या होता है। All the kids from the whole neighborhood came, laughing and shouting in the schoolyard, sitting together in the schoolroom, going home together at the end of the day. They learned the same things, so they could help one another with the homework and talk about it. And the teachers were people. अब इस पैराग्राफ में उस बच्ची ने बहुत बड़ी बात कही है बच्चों से, और आने वाले 100-150 साल के बाद जो आने वाले स्कूल्स हैं, देखो यदि आप स्टैंडर्ड फर्स्ट से घर में ही पढ़ते हैं तो आपको घर से बाहर निकलने नहीं मिलता, आपको दोस्त बनाने नहीं मिलते। यदि आपकी आपको टीचर की कोई बात समझना आए तो आपको अपने दोस्तों के साथ शेयर करने नहीं मिलता। फिर आपको रिसेस में प्लेग्राउंड में पीटी पीरियड में खेलने नहीं मिलता। उसके बाद आपको एक साथ बातें करने नहीं मिलती, एक साथ टिफिन खाने नहीं मिलता, एक साथ स्कूल जाने नहीं मिलता, एक साथ स्कूल से घर आने नहीं मिलता।
और आपकी अगर दोस्ती नहीं होती तो आप अकेले कितने बोर हो जाते हैं। ये बोर होने का अगर आपको बेहतरीन एग्जाम्पल दूँ तो पिछले 6 महीनों से जो हमारे पूरे भारत देश में लॉकडाउन चल रहा है कोरोना वायरस के वजह से, तो उस लॉकडाउन में आपको पता चल गया होगा कि घर में बैठ के कितना बोर होता है। चाहे हमारे पास मोबाइल हो, इंटरनेट हो, टीवी हो, देख देख कर कितना देखेंगे। आफ्टर ऑल पबजी खेलो या टिकटॉक देखो, व्हाट्सएप पे चैट करो दोस्तों से, फेसबुक पे वीडियोस देखो, इंस्टाग्राम पे वीडियोस देखो, ये सारी चीजें होने के बावजूद भी एक समय बाद हमारा दिमाग जवाब दे देता है कि भाई बस कर, अभी अब मोबाइल रख दे, चल कहीं बाहर घूम के आते, कम से कम देख के तो आते बाहर क्या चल रहा है। लेकिन हम जा पाए नहीं जा पाए, क्योंकि बीमारी के डर के वजह से बड़े बुजुर्ग, छोटे बच्चे, जवान सब लोग अपने घर में ही बंद थे, बाहर जाते तो पुलिस मारती। तो बच्चों यही बोर्डम वाली बात मार्गी के दिमाग में उस समय आई। शी सेड कि व्हाट काइंड ऑफ स्कूल इट वाज मैन, लाइक एवरीबॉडी वेकिंग अर्ली अप इन द मॉर्निंग, गेटिंग रेडी फॉर स्कूल, यूनिफॉर्म, शूज, tie, bag, and they used to go by bus or taxi or rickshaw or bicycle with to the school, meeting their friends, gathering together, shouting in the schoolyard, laughing, and then they go all together. एक क्लास में एक बच्चा होता है क्या बच्चों? नहीं, एक क्लास में बहुत सारे बच्चे होते हैं, 40, 50, 60, वो सारे बच्चे, सारे लोग अपने अपने दोस्तों के पास अपनी अपनी सीट पर जाके बैठते हैं, फिर बातें करते हैं, कल हमने क्या किया, हमारे घर पे क्या हुआ, कल का तूने होमवर्क किया क्या, परसों का एग्जाम कौन सा है, तूने उसके लिए कौन सी पढ़ाई की, तेरे पास कोई नोट्स है क्या, 10th का एग्जाम नजदीक आ रहा है, फिर हम लोग रिविजन साथ में करते हैं, ऐसी सारी चीजें, फिर रेसेस हो गई, आज तूने टिफिन में क्या लाया है, मैंने टिफिन में ये लाया है, वो लाया है, और ये सारी जो बातें होती है एक स्कूल में, वो बातें आने वाले बच्चे मिस करने वाले हैं, ऐसे लेखक का मानना है। और मार्गी जो है वो यही कहती है, उसका मैकेनिकल लेक्चर अभी भी चल रहा है बच्चों, ये तो उस लेक्चर में प्रेजेंट होने के बावजूद भी मेंटली एब्सेंट थी, क्योंकि उसके दिमाग में वो जो लिखित बुक मिली थी उसके दादाजी की, वही सारी बातें उसके दिमाग में चल रही थी। वो सारे बच्चे एक ही क्लासरूम में, एक ही स्कूल रूम में जाके बैठते थे अपने दोस्तों के पास, एक ही समय पे एक टीचर आके उन्हें पढ़ाती थी, और वो सारे बच्चे एक साथ पढ़ते थे। और अगर मुझे कुछ समझ नहीं आया तो हमको क्या करना पड़ेगा, रोबोट को पूछना ज्यादा आसान है कि हमारी टीचर को ज्यादा पूछना आसान है? अब टीचर इंसान है तो तुरंत समझ के हमें बता देती है, राइट? और इसीलिए उसे वो सारी चीजें बहुत ही ज्यादा मजेदार लगी, और वो उससे उन चीजों को मिस करने लगी। काश मेरे दादाजी के दादाजी अभी होते तो मैं उनसे पूछ पाती कि कितनी मजा, कितनी सारी मजा तुमने की है तुम्हारे बचपन में, तुम्हारे स्कूल्स में। द मैकेनिकल टीचर वॉज फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन व्हेन वी एड फ्रैक्शंस 1/2 and 1/4। Margie was still thinking about the kids must have loved it in the old days. She was thinking about the fun they had. बच्चों मैं अभी भी आपको एक बात कहना चाहूंगा, हम आपको वीडियोस बना के दे रहे हैं, आपको यूट्यूब चैनल्स पे लिंक भेज रहे हैं, जूम पे आपको लेक्चर्स पढ़ा रहे हैं। आप में से बहुत से बच्चों को समझ आ रहा होगा, लेकिन बहुत से बच्चों को अभी भी समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि जब हम स्कूल में आपको पढ़ाते थे तब आप कितना अच्छे से सुनते थे, हम आपको अच्छे से पढ़ा सकते थे। ये ऑनलाइन इजी तो है, हम घर पे बैठ के पढ़ा और पढ़ सकते हैं, लेकिन उतना इफेक्टिव नहीं है, क्योंकि जब हम स्कूल में होते, हम क्लासरूम में होते, तो हम एक दूसरे के साथ बातें करते करते, हंसी मजाक करते करते हम बहुत सारे पढ़ाई कर पाते थे, बहुत सारी चीजें सीख पाते थे। और इसीलिए मार्गी को हमारे जमाने के स्कूल, जो अभी हम जिन स्कूलों में पढ़ते हैं, वो ज्यादा पसंद आने लग गए, जबकि उसके मार्गी के जमाने में जो स्कूल चल रहे हैं कि हर आधे घंटे में एक रोबोट आएगा, हर सब्जेक्ट का अलग अलग रोबोट होगा, और वो रोबोट हम सबको पढ़ाएगा। तो बच्चों आइज़ैक एसिमोव
नाम के जो लेखक हैं उन्होंने ये कल्पना अपने जो इमेजिनेशन है उसको ये कागज पर उतारा है और उन्होंने ये ऐसी कहानी मनगढ़ंत बनाई हुई है। कौन मार्गी, कौन जोन्स, कौन टॉमी, वो काल्पनिक, सारी चीजें काल्पनिक है। लेकिन पढ़ते समय हमें भी कितना मजा आया कि हमें आने वाले 100-150 साल बाद शायद ऐसी परिस्थिति हो सकती है, इसका आकलन हमें आइज़ैक आसिमोव जी ने कराया इस चैप्टर के जरिए। और हमें साथ में ये भी समझने मिला कि आफ्टर ऑल ओल्ड इज गोल्ड, कहते हैं ना कि पुरानी चीजें भले कितनी आउटडेटेड क्यों ना हो जाए, कुछ कभी कभी पुरानी चीजें ही अच्छी रहती, पुरानी चीजों से ही अच्छा काम हो पाता है, परफेक्ट काम हो पाता है। टेक्नोलॉजी चाहे कितनी भी आगे चली जाए वो हमारा मेहनत बचाती है, हमारा समय बचाता है, लेकिन स्कूल के मामले में अगर जब टेक्नोलॉजी की बात की जाए तो हम वीडियोज और ये सारी चीजों का हमारे स्कूल लेवल में उपयोग तो कर सकते हैं, लेकिन स्कूल में टीचर को रिप्लेस करना शायद उतना मार्गी को सही नहीं लगा, क्योंकि उसे वो मैकेनिकल टीचर्स बिल्कुल भी पसंद नहीं थे। उसे वो तो अपने दादाजी की बुक पढ़ के ये सोचने लग गई कि काश मैं भी दादाजी के समय के स्कूल में होती तो मैं भी स्कूल यार्ड में मजा कर पाती, स्कूल लाइफ को जी पाती। तो बच्चों ये थी की थी किन बच्चों ने, मार्गी के दादाजी और उनके दोस्तों ने, जो कि उस किताब में लिखा गया है। और तब मार्गी आखिर में ये कहती है, She was thinking about the fun they had। तो देखो बच्चों ये आखिरी चार शब्द जो है चैप्टर के, वही हमारे चैप्टर का शीर्षक है, और वो ये सोच रही थी कि कितनी मजा की होगी उन लोगों ने। अब समझ आया आपको कि मार्गी किन लोगों के बारे में बात कर रही थी, वो हम लोगों के बारे में बात कर रही थी, आप और मैं जो अभी 2020 में हैं, हम लोगों की बात मार्गी कर रही है कि हम कितने खुशनसीब हैं कि हमें स्कूल जाने मिलता है, हमें स्कूल में अपने दोस्तों से बात करने मिलती है, हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है, हम घर से बाहर निकल पाते हैं, हम बाहर का आनंद और लुत्फ उठा सकते हैं। इसीलिए मार्गी कहती है कि होम स्कूल भले ही हमारा टाइम और मेहनत कितने भी बचा ले, लेकिन स्कूल में जाने का ऐसा मजा तो कुछ और ही है। तो बच्चों मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये लेसन समझ आया होगा। मिलते हैं अगले चैप्टर में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू स्टूडेंट्स, दिस वॉज अवर टूडेज लेक्चर। And don't forget to press the bell icon as well as the subscribe button for more interesting videos. Thank you very much.